जब मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, क्यों आ रहा है? अखबारों में तुरंत बयान, अब आ रहे घोषणा वीर। अरे वीर ही तो घोषणा करते हैं रे, कायर थोड़ी घोषणा करते हैं। मैंने बयान पढ़े कांग्रेस के नेताओं के, लेकिन हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा करके उसका पालन भी करते हैं। आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का हमने उद्घाटन किया था उसकी घोषणा भी हमने की थी और शिलान्यास भी हमने किया। अभी पंडित जी बता रहे थे कॉलेज की, उनकी घोषणा भी हमने की थी और उनको पूरा भी हमने किया। लेकिन उनको तकलीफ होती है कि मामा क्यों रहा है? बताओ छिंदवाड़ा और बिछुआ वालों में आऊं कि नहीं आऊं? अरे जोर से बताओ, आऊं कि नहीं आऊं? हम तो आएंगे, जनता बुला रही, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आज सबसे पहले हमने अपनी लाडली बेटियों का पूजन किया, मेरी लाडली बेटियां भी आई। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश की जनता से कहता हूं, बेटियों के बिना दुनिया चल नहीं सकती। और ये मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई, ये मेरी बिटियां बैठी हैं। जब ये छोटी छोटी थी तब इनके हाथ में बचत पत्र हमने दिए थे लाडली लक्ष्मी योजना में, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था वो अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। इन लाडली बेटियों को आशीर्वाद। और पांचवी पास करके छठवीं जाए तो 2000, आठवीं पास करके नौवीं में जाए तो 4000, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाए तो 6000, फिर बारहवीं में भी 6000, और मेरी बेटियों कॉलेज में एडमिशन लोगी तो मामा 12500 रुपया डलवाएगा खाते में, और पास आउट करोगी तो फिर 12500 देगा। और सुनना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी एडमिशन होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, प्राइवेट में भी हो तो फीस चाहे कितनी भी हो, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेटियों की चिंता ना करें, मामा तो है उनके लिए। मध्य प्रदेश की धरती पर मां बहन और बेटी का मान सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किए हैं। ये पहला राज्य मेरे बहन और भाई जहां हमने तय किया कि बिटिया को किसी ने अगर गलत नजर से देखा, दुराचार जैसी घटनाएं की, तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, उसके छोड़ेंगे नियम किसी भी। आज बेटियों को पढ़ा, देखिए लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा राज है, और इसलिए एक बार मैं छिंदवाड़ा में भी और आसपास के सभी जिलों संदेश देना चाहता हूं, मेरी सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, मेरी सरकार गांव के चौपाल से चलेगी। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया, और उसमें हमने तय किया छोटी छोटी चीजों के लोग भटकते हैं, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, बिजली घर में जाओ, नाम नहीं जुड़ रहा, जोड़ दो साहब, जोड़ दो साहब। हमने तय किया अब जनता नहीं जाएगी, हर पंचायत में सरकारी अधिकारी कर्मचारी आएंगे, शिविर लगाएंगे, आवेदन लेंगे, और वही योजनाओं का स्वीकृति देके उनका नाम जोड़ेंगे। ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान छिंदवाड़ा में भी चला, लगे थे कि नहीं शिविर छिंदवाड़ा में पंचायतों में, कितने आवेदन आए जरा कलेक्टर मैडम, हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी कितने आवेदन आए जन सेवा अभियान में? सर 5,11,164 आवेदन थे। 5,11,164 आए, उसमें से कितने हमने स्वीकृत कर दिए पात्र पाके? 4,81,285 आवेदन स्वीकृत होकर, 4,81,200 आवेदन स्वीकृत होके अलग अलग योजनाओं में उनका नाम जोड़ दिया गया है और उन सबको स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। साधारण घटना नहीं, केवल छिंदवाड़ा में नहीं जोड़े, मध्य प्रदेश के हर जिले में जोड़े, सिवनी में जोड़े, बालाघाट में जोड़े, नरसिंहपुर में जोड़े, जबलपुर में जुड़े, कटनी में जुड़े,
80 लाख नाम जोड़ दिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों जिनको लाभ नहीं मिलता था योजना 83 लाख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, राशन का सवाल हो, एक नहीं 38 योजनाएं और उनके 83 लाख नए नाम हमने जोड़े ताकि कोई गरीब वंचित ना रहे। सोचो मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये शिविर ना लगते तो इतने आसानी से नाम जुड़ जाते क्या? अरे नहीं तो जोर से बोलो, जुड़ जाते क्या? चक्कर लगाते लगाते कई बार परेशान हो जाते हैं। और इसलिए हमने तय किया जनता चक्कर नहीं लगाएगी। अब तो ये नेतृत्व बैठा है भारतीय जनता पार्टी, घर घर में ढूंढ लेना भैया, कोई छूट गया तो चिंता मत करना, फिर नाम जोड़ दूंगा मामा के खजाने में, गरीबों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। एक वो थे जो बीच में आए थे 7 साल के, वो यही कहते रहते थे पैसे ही नहीं है, मामा ने खजाना खाली कर दिया, अरविंद का मामा की औरंगजेब हो गया, सब लूट के ले गया। लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ विकास, आज ही छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं, लोकार्पण के काम किए 1000 करोड़, और तो वो मेडिकल कॉलेज वाले हम नहीं जोड़ रहे 800 करोड़ के। ये अपनी पैच डाइवर्जन योजना उसका सेकंड जो भाग है उसके लिए हमने 800 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किए, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। मेरे बहनों भाइयों छिंदवाड़ा वालों, आज 1000 लोगों को मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, ये भी नहीं जोड़ा, अभी तो इस शिलान्यास को कर दीजिए। विकास छिंदवाड़ा जिले का भी होगा, विकास मध्य प्रदेश का भी होगा, उसमें कसम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो नाम जोड़े गए अब उनको अगले महीने से लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। जिस गरीब का नाम राशन की सूची में नहीं था उसका नाम जुड़ गया, उसको राशन मिलेगा। लेकिन मुझे खबर मिली है कि एक ब्लॉक में कहीं राशन की दिक्कतें आ रही है, सही बात है कि मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं, दुनार देखो मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं तुरंत जांच करें। देखो मेरा सीधा फैसला है, अगर गरीब का राशन कोई खाएगा तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, हथकड़ी लग के जेल जाएगा, ऐसे बदमाशों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पूरी जांच करवाई जाए और गड़बड़ अगर कहीं है तो छोड़ना नहीं है, पूरी जांच होकर मेरे पास रिपोर्ट आ जाए। देखो जी इस तरह के जो माफिया पैदा हो गए, सत्ता के दलाल जो जनता का हक खाने की कोशिश करते हैं, उनका एक ही उपाय है, उनको कुचल दो, उनको समाप्त कर दो, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसलिए अच्छा काम करने वालों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन गड़बड़ अगर कहीं पाई जाती है तो उसको छोड़ता नहीं। सीएम हमारी जनसेवा अभियान के सब लोगों को लाभ मिलना अगले महीने से प्रारंभ हो जाएगा। अभी हमने सिंचाई योजनाओं में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स की योजना उस पर भी काम शुरू हुआ है। इरीगेशन वाले हैं क्या? इरीगेशन आ जाए तो रहे काम चलता है कि नहीं? अभी तो माइक ले लीजिए सर, काम चल रहा है, संगम का सर्वे इन्वेस्टिगेशन होके मॉडल स्टडी हो रही है, रामघाट में सर्वे होके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अच्छा पहले ही से पाइप माइप आ गए थे या पैसे का पेमेंट हुआ था क्या? आएगी है क्या? फील्ड का कुछ इंस्पेक्शन किया अभी? जी सर, पहले कच्चे माल का कुछ पेमेंट हुआ था, अभी पाइप आ रहा है लगा था उसके, बाकी सर्वे और बैलेंस। अब देखो रे भैया, पाइप के बिना पेमेंट हो जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो देखना पड़ेगा कितना पैसा आया है। ये पैसा इसके लिए आया है कि हमारा बांध ढंग से बन जाए, पैच का दूसरा चरण भी ठीक से बनेगा। मैं एक दिन आज पहले मैं सोच रहा था वहां जाऊं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के साथ 5 बजे मेरी बीसी है भोपाल से, आज तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं किसी दिन आऊंगा जरूर, क्योंकि इन योजनाओं को हमको देखना पड़ेगा जमीन। मैं आपसे भी कह
ये सारी योजनाएं ठीक से देखी जानी चाहिए ताकि जनता को ठीक से इनका लाभ मिल सके। बिजली के मामले में मुझे एक ब्लॉक से शिकायत मिली है, मटका खापा वगैरह कौन सा भाई, बीच में बिजली की दिक्कत हुई थी ना वहां, और हुई थी कि नहीं हुई, नहीं मैं बीच में गड़बड़ हुई थी क्या था? देखिए बिजली वाले कौन है भाई, आओ जरा, ये अपनी जनता की अदालत है। देखो देखिए ये चौपाल है अपना, यहां किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं, क्या स्थिति वो जानने के लिए बुलाया है, क्या स्थिति बिजली की। ट्रांसफार्मर कितने दिन में बदल जाते हैं? नहीं अभी मुझे पता चला है कि अपने भटका खापा कहां के आसपास हर रही तरफ काफी दिक्कत थी, साथ साथ दिन में बदले। अब ये होना नहीं चाहिए, किसान बेचारा दिन रात मेहनत करता है, समय पे ट्रांसफार्मर बदले अगर जल जाए तो, और पर्याप्त जो सरकार ने तय की वो बिजली दे, और गड़बड़ अगर कोई है तो मुझे बता दे। देखिए ढंग से चीजों का सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखो मैं सब पता कर दूंगा, और कोई गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा ये, मैं आपसे चिंता मत करना, यहां नहीं तो और कहीं। देखो उद्देश्य अपना एक है, तो लोकतंत्र में सारी व्यवस्था किसके लिए है आपका? लोकतंत्र में सारी व्यवस्था है जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये लोकतंत्र में सरकार इसी के लिए होती है, और इसलिए मेरी ड्यूटी है भाई, अच्छा काम करे मैं पीठ थपथपाऊं, और गड़बड़ हो तो कार्रवाई करूं। अब पिछले दिनों में आया था छिंदवाड़ा, सीएमएचओ को मेरे मुझे शिकायत मिली, हटा तो बाद में कहा, फिर से अभी वही है, और इसलिए मैं सिंध छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे और जिद करेंगे तो उनको फिर सरकारी नौकरी में रखने का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहां आया तो मैंने पूछा बिछुआ का हाल क्या है, तो कहने लगे साहब सीएमओ है ही नहीं, अब मुख्यमंत्री है और सीएमओ यहां नहीं है तो नौकरी काहे को करें, उनको कोई मैं सस्पेंड कर देता हूं बिछुआ का सीएमओ। ये जनता की सेवा करना, विकास के काम करना चाहिए, हमको जनता के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। जो अच्छे अफसर है मैं उनको सम्मानित करूंगा, अब जो छोटे भी कर्मचारी है, मुझे पता चला राकेश खरप से ये पटवारी है, जनसेवा अभियान में बहुत अच्छा काम किया, जयराम श्याम रत्ने एक सचिव ने बहुत अच्छा काम किया, ममता कुलस्ते सीओ जनपद पंचायत बिछुआ की बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, उनको सम्मानित करता हूँ। अच्छे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, केवल गड़बड़ अगर कोई करे तो लोकतंत्र में फिर उसको शासकीय सेवा में रहने का हक नहीं है। आज बड़ी संख्या में मेरे सामने हमारे आदिवासी भाई बहन भी यहाँ बड़ी संख्या में बैठे, उन्होंने धन्यवाद दिया, इसके लिए धन्यवाद दिया कि पेशा एक्ट लागू किया गया है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, पूरे छिंदवाड़ा देखो पेशा कोई के खिलाफ नहीं है, ना ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है और ना ये पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। पेशा में जो प्रावधान किए हैं वो हमारे पेशा गांव के लिए किए, ये पेशा केवल नवासी ब्लॉक में लागू होगा, पेशा शहरों में लागू नहीं होगा, पेशा केवल गांव में लागू होगा, और गांव में भी आदिवासी भाई बहनों के अलावा अगर कोई और समाज का आदमी रहता है तो वो भी पेशा की ग्राम सभा का सदस्य होगा।
इसलिए पैसा से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बात। अब ये पैसा क्या है ये भी तो ढंग से पता चले। आदिवासी भाई बैठे, पैसा जो जानता है जरा हाथ उठाओ, जिनको पता है पैसा क्या है वो हाथ उठाओ। अरे जिनको जानते हैं वो हाथ उठाओ। अरे वाह, यम्मे मोरेश्वर, मोरेश्वर जी जानते हैं। आज सुनो मेरे बहन और भाई, मैं पैसा भी आपको बहुत संक्षेप में समझाता हूं। देखो, भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? सब बोले बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया कि नहीं बनाया? धरती सबकी, पानी सबका, हवा सबकी, जंगल सबके, खदानें सबकी, और ये पैसा किसी का अधिकार देता है। पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, पैसा में अभी अनिवार्य कर दिया गया है कि हर पैसा ग्राम में हर साल पटवारी और बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट का वो आएंगे और पूरा नक्शा गांव के बीच में रखेंगे, जनता के बीच में। कौन सी जमीन कौन के नाम है, खसरे की नकल, बीवन की नकल। और ये इसलिए कि धन्ना की जमीन कहीं पन्ना के नाम तो नहीं करते कोई नहीं। कई बार हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता? अरे हो जाता कि नहीं? और इसलिए गड़बड़ कहीं हो गई हो तो तत्काल पता चल जाए। और इसलिए हर साल ये काम रखा जाएगा, और अगर कोई गड़बड़ पाई गई तो उस गड़बड़ को ग्राम पंचायत, ग्राम सभा सुधार सकेगी। एक बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई लोग गलत नियत से, गलत नियत से आदिवासी की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। कई तो आदिवासी बेटी से शादी कर ली और जमीन खरीद ली, पता नहीं कहां से आ गए, अलग धर्म से आ जाते हैं। शादी करी और इसलिए शादी, और शादी भी पहली नहीं होती, तीसरी चौथी पांचवी शादी होगी, बताइए। अब बेचारी वो बेटी, उसे शादी की और जमीन आदि किसी की खरीद ली इसलिए कि उसके नाम पे जमीन इनके कब्जे में आ जाए। कुछ जगह तो पंचायत के चुनाव लड़ा देते, खुद नहीं लड़ते तो शादी करते। देखो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र मैं चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं। और ये लव जिहाद, इस लव कहीं नहीं है, ये जिहाद ही जिहाद। मध्य प्रदेश में ये भी नहीं चलेगा। एक और कड़ा कानून हम बनाने वाले हैं, गलत नियत से जमीन हड़प लो, अपने नाम करवा लो, सरपंच जी लड़ लो, ये नहीं चलेगा। और इसलिए अगर ऐसी हरकत कोई करता है तो हम कानून भी कड़ा बनाएंगे, और ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो ऐसी जमीन फिर उसके पास ना जाने दे, हस्तक्षेप करके रोक ले और आदिवासी के पास ही वो जमीन रहे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जमीन का अधिकार। मैं एक बात और, अगर अपने ग्राम सभा के अंदर कोई रेत है, पत्थर की खदान है, गिट्टी है, छोटी मोटी चीजें जिसको गौण खनिज कहते हैं, अब उनको सरकार नीलाम नहीं करेगी। अगर ग्राम सभा चाहेगी तो ही उनका सर्वे होगा। ग्राम सभा अगर ये चाहेगी कि हमारे गांव की खदान हमारे गांव में ही रहे, ग्राम सभा उसकी व्यवस्था देखे, तो सरकार नीलाम नहीं करेगी, ग्राम सभा के आधिपत्य में ही वो रहेगी। अरे देखो, कोई गरीब आदमी है गांव का, वो गिट्टी पत्थर का काम करना चाहता है, वो क्रेशर चलाना चाहता है, तो उसको अधिकार नहीं है क्या? अरे गरीब के भी क्रेशर चल जाने दो भैया, तो गांव की जमीन गांव में ही रहे, उसमें पहला हक आदिवासी जो सोसाइटी रहेगी उसका होगा, पैसा ग्राम में केवल। मैं पैसा गांव की बात केवल कर रहा हूं। दूसरा हक जो महिला होगी आदिवासी उसका होगा, तीसरा फिर पुरुष का होगा। ये पैसा अधिकार देता है। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन का अधिकार, ऐसे
एक नहीं कई अधिकार पेशा एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। अब दूसरा अधिकार है जंगल का अधिकार। देखो दो तरह की वनोपज होती है, एक होती है हर्रा, बहेड़ा, आंवला, चार, अचार, चिरौंजी, गुठली। मैं आया था पातालकोट एक बार, पातालकोट में जब प्रेम नारायण जी विधायक होते थे तो वहां मुझे बताया आदिवासी भाई बहनों ने कि हमारी चार की चिरौंजी 4 रुपये में चली जाती। तब हमने तय किया था किसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। अब पेशा में ये जितनी गौण मैंने वनोपज बताई, ये सारी वनोपज इनको इकट्ठा करने का और बेचने का अधिकार उसी गांव को दे दिया गया है, आदिवासी भाई बहनों को दे दिया गया है। और बेचना भी तो किस रेट पर बेचना है, ये रेट भी आप तय करेंगे। आदिवासी भाई बहन या उस गांव में जो और है वो मिलकर तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने बीनी, हमने तोड़ी तो हमारी तो बिकी 4-6 रुपया किलो और दूसरा बेचे 400 रुपया किलो। ये नहीं होगा, ये अधिकार आपको दिया गया है। बोलो होना चाहिए कि नहीं अधिकार? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये अधिकार दिया गया है ताकि गरीब के पास 4 पैसे ज्यादा आए। और रेट भी अलग, ग्राम सभा, एक ग्राम सभा भी तय कर सकती है, ग्राम सभा का पूरा समूह भी तय कर सकता है जब 25 ग्राम सभा मिलकर करेंगे। अब दूसरी वनोपज और होती है तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ता होता है ना छिंदवाड़ा जिले में। अब तेंदू पत्ता हम तोड़ते हैं तो अभी तेंदू पत्ता कौन तोड़ते हैं? वनोपज संघ, फॉरेस्ट वाले। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप चाहोगे तो तेंदू पत्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं तोड़ेगा, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, तेंदू पत्ता ग्राम सभा खुद तोड़ेगी, खुद सुखाएगी और खुद बेचने का काम करेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां से बताओ समझेगी नहीं? जोर से बोलो समझेगी नहीं? जो ग्राम सभा, फिर से सुन लो, जो ग्राम सभा तय करेगी कि हमारा तेंदू पत्ता हम तोड़ेंगे, वो 15 दिसंबर तक प्रस्ताव पास कर दे। आज 9 दिसंबर है और प्रस्ताव पास करके अभी तक कोई ग्राम सभा ने किया प्रस्ताव? 33 जगह हो चुका है। डीएफओ और है क्या फॉरेस्ट वाले? डीएफओ का ये लैम आए, 33 जगह प्रस्ताव दे दिया ग्राम सभा। जी सर। अब भैया ऐसा कि इन्हीं से तुड़वाना है। जी सर। और इनको पूरी मदद करना है। फॉरेस्ट्री ने सोचे कि ये फेल हो जाए तो अच्छा अगले साल फिर हम तोड़ लें, ये मानसिकता नहीं चाहिए। इनको ट्रेंड करना है और ट्रेंड करवा के इन्हीं से तेंदू पत्ता तोड़वाना है और बिकवाने में भी मदद करेंगे भैया। कोई औने पौने दाम में ना खरीद ले, अब तुम्हारे गांव का तेंदू पत्ता का पैसा भोपाल नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा, गांव में ही रहेगा। अभी 33 कितनी ग्राम सभा है अपनी जिले में? 850 में से 33 ने हिम्मत करी है, और हिम्मत करो, जरा प्रेरित करो भाई, तोड़ने दो। गरीब का पत्ता गरीब तोड़े और गरीब बेचे, भोपाल ले जाके क्या करोगे सारे पैसा, गांव में बटने दो, गरीबों के काम आने दो। ये पैसा अधिकार देता है ताकि हम 4 पैसे ज्यादा कमा सके, ये अधिकार हमारे पास है। एक बात और इसके साथ हमने तय किया है, मनरेगा की मजदूरी, जरा ध्यान से सुनना, मनरेगा की मजदूरी, इसमें काम कौन से हो, ये काम सड़क बनाने के हो, खेत सड़क बनाने के हो, ये काम भोपाल से तय नहीं होंगे, गांव में ग्राम सभा बैठेगी और तय करेगी कि इससे फलाना काम होना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? इधर वाले बताओ ठीक है कि नहीं? और इसके साथ एक बात और, मस्टर्ड रोल बनता है, मस्टर्ड रोल, मस्टर्ड रोल समझे कि नहीं? मस्टर्ड रोल में मजदूरों के नाम रहते हैं कि राधा ने काम किया, कि और कितने मजदूरों ने काम किया, पूरा नाम लिखे रहते हैं। कई बार नाम लिखे रहते 100 और काम किया 50 नहीं और मजदूरी पूरी निकल गई,
हो जाता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, हो जाता है कि नहीं? अब ये नहीं होने देंगे। गांव का मास्टर और पंचायत सचिव को मैदान में गांव में सामने रखना पड़ेगा कि धन्नू पन्ना कौन कौन ने काम किया, ये रिकॉर्ड है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। बोलो ठीक बात है? अरे सब नहीं बोल रहे, ठीक बात है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। सबको पता होना चाहिए कितने मजदूर लगे, कितनों ने काम किया, नहीं तो पैसा आए और पता चला कि 50 ने काम किया और 100 का निकल गया। ये तो नहीं होगा किसी भी हालत में, मजदूर को मजदूरी मिले भाई। और एक बात और, अब गांव का मजदूर अगर काम के लिए कहीं बाहर जाएगा, कोई एजेंसी ले जाएगी, तो उसको गांव में ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा कि मैं शिवराज सिंह चौहान फलानी जगह काम के लिए मजदूरों को ले जा रहा हूं। बिना ग्राम सभा को बताए अगर वो ले गया तो सीधे उसको जेल जाना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि ले गए और बाद में फंस गए अपने आदमी बेचारे, कहीं बदुआ मजदूरी करवा रहे, कहीं बेटा बेटी फंस गए, परेशान हो रहे, ये नहीं होगा। पहले बता के जाना पड़ेगा ताकि कोई मुसीबत में अगर पड़े तो उनकी पूरी मदद की जा सके, अपने पास रिकॉर्ड रहे कि हमारे गांव के राधे श्याम हो चाहे सीताराम हो फलाने गांव में गए हैं। अगर मुसीबत में कहीं आए, दिक्कत में आए, उनके नंबर भी होंगे ताकि मदद की जा सके। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, अगर कोई बाहर से गांव में घुस गया है तो वो कौन है, कहां से आ गया, कहीं रोंगिया तो नहीं है, बांग्लादेश से तो नहीं आ गया, और कहीं से तो नहीं आ गया, तो गांव में जो आएगा उसको बताना पड़ेगा कि मैं फलाना हूं और फलानी जगह से इस काम के लिए आया हूं। कोई अनजान आदमी ऐसे नहीं घुस सकता, नहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं गांव में, पता ही नहीं चल रहा कौन आ गया, कहां से आ गया। तो पेशा में इसका प्रावधान भी किया है। बोलो ये भी होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ताकि अपना गांव सुरक्षित रह सके, इसके लिए इस बात का प्रावधान किया है। और एक बात और, अब गांव में ग्राम सभा के अंतर्गत नई शराब की दुकान खुले कि नहीं खुले, ये फैसला सरकार नहीं करेगी, ये फैसला ग्राम सभा करेगी। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ। अब सरकार की मर्जी में आई और दारू की दुकान खोलती, अब ये थोड़ी होना चाहिए। ग्राम सभा तय करेगी कि यहाँ शराब हो, भांग हो, या इस तरह के नशे की कोई चीज की दुकान खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। सरकार ऊपर से अब इसको थोपेगी नहीं, ये अधिकार भी आपके पास। और एक अधिकार आपके पास है कि अगर कोई त्योहार के दिन आप चाहेंगे कि दारू की दुकान ना खुले तो ड्राई डे घोषित किया जा सकेगा, कलेक्टर को आवेदन देंगे, ऐसे कुछ दिनों में वो दुकान बंद की जा सकेगी। ऐसे कई अधिकार पेशा के अंतर्गत आपको दिए हैं। एक अधिकार और, गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले, गांव का स्कूल ठीक चले, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? देखो सरकार अब अपन सब मिलकर चलाए भाई, शिवराज अकेला काय को चलाए, हम सब मिलकर चलाए, तो स्कूल अच्छा चले, हमारी आश्रम शालाओं की व्यवस्था ठीक रहे, बच्चों को भोजन ठीक मिले, मध्याह्न भोजन ठीक मिले, छात्रावास ठीक हो, ये सारी संस्थाएं, आज मैंने अस्पताल का यहाँ लोकार्पण कर दिया, अब इलाज ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा है ये देखना आपका काम भी है कि नहीं? अरे सबका काम है कि नहीं? आओ सब मिलकर सरकार चलाए। ग्राम सभा को यह अधिकार होगा तो आंगनबाड़ी के मास्टर साहब आए कि नहीं आए, ठीक से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, ये अधिकार भी ग्राम सभा का होगा। और मेरे बहनों और भाइयों, मछुआरों का अधिकार सुरक्षित रखते हुए मछली पकड़ने का उनका अधिकार परंपरागत रूप से जो करते हैं, उनका अधिकार सुरक्षित रखते हुए
तालाबों पे जल प्रबंधन का अधिकार भी अब ग्राम सभा को होगा। तो अब मैंने पेशा के बारे में कुछ चीजें बताई, समझ में आई कि नहीं आई? इधर वाले बताए आई कि नहीं? तो पेशा के अधिकारों का उपयोग करोगे? आओ मिलकर सरकार चलाएं, अपना गांव ठीक, गांव में काम ठीक चले, गांव में व्यवस्था ठीक रहे, एक अधिकार और है, यहाँ एसपी भी आ जाए, एसपी है क्या? एक अधिकार और कि गांव में छोटा मोटा झगड़ा अगर कोई होता है, मैं छोटे झगड़े की बात कर रहा हूं, बड़े झगड़े की बात नहीं कर रहा, कहीं मर्डर हो गया तो पुलिस आएगी, 307 हो गया तो पुलिस आएगी, लेकिन छोटा मोटा झगड़ा है तो उसमें बताओ पुलिस को आना चाहिए क्या? जोर से बोलो, नहीं आना चाहिए। तो ग्राम सभा अपनी एक शांति और विवाद निवारण समिति बनाएगी, वो छोटे मोटे झगड़ों का फैसला कर देगी, क्योंकि हर बार पे रिपोर्ट लिखना, एफआईआर लिखना, और एफआईआर लिखी और फिर थानेदार साहब आगे डंडा लेके चल, तू भी चल और तू भी चल, अब कहां कहां परेशान हो फिरो, और इसलिए ये सारे मामले अब ग्राम सभा निपटाएगी। बोलो निपटाओगे कि नहीं? सामने जोर से बोलो निपटाओगे कि नहीं? ऐसे में पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बड़ा मामला हो तो बात अलग, कोशिश ये होगी गांव के विवाद गांव में ही निपट जाएं, और थाने में एफआईआर होगी तो उसकी सूचना भी ग्राम सभा को देनी पड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, पेशा में ऐसे अनेकों अधिकार बिना किसी के अधिकारों के छीने आज आदिवासी भाई बहनों को दिए गए हैं, इसलिए मैंने पेशा की भी आपसे यहां चर्चा की। आपने जन सेवा अभियान के अंतर्गत जितने नाम जुड़ने थे वो नाम भी जुड़े हैं, उनको लाभ भी मिलेगा, और ये सारे प्रयास जनता की जिंदगी बदलने के प्रयास हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आज मैं जिला प्रशासन यही कहना चाहता हूं कि काम सब बेहतर चले, अच्छे चले, जनता को दिक्कत ना हो, इसमें कोई कसर ना छोड़े, और इस नेतृत्व को भी यही कहना चाहूंगा कि हमारी ड्यूटी है हम जनता की व्यवस्था ठीक बनाने का काम करें, उसमें पूरी ताकत से सहयोग करें। देखो छिंदवाड़ा आगे बढ़े, बिछुआ आगे बढ़े, आज रमेश दुबे जी ने अनेकों मुझे कई रोड की बात कही है, अलग अलग चीजों की बात कही है, नगर पंचायत के लोग मिले, नगर पंचायतों में छिंदवाड़ा में कई जगह हम लोग जीत के नए नए लोग आए हैं, सरपंच हमारे होंगे उनके लिए काफी घोषणाएं मैंने परसों के दिन ही की है। सरपंच है क्या यहाँ? सरपंच है तो सरपंच साथी भी है, कई तरह की चीजें की है हमने। अब इसके बाद मैं नगरीय जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को भी मैं बुला रहा हूँ जल्दी, छिंदवाड़ा की नगर पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए अभी तो एक मुश्त 7 करोड़ रुपया में सगुन के हैं, इस साल जो बचे हैं वो देने का फैसला कर रहा हूँ, ताकि बिछुआ में भी पैसे मिल जाए, बाकी जगह भी पैसे मिल जाए, आगे फिर विस्तार से वो उनकी योजनाएं बनाएंगे, उसके अंतर्गत और विकास के काम स्वीकृत करेंगे। आपने जितनी न्यायोचित मांगे की है उन पर भी निश्चित तौर पर मैं फैसला करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपील एक ही है, मध्य प्रदेश बदलना है, जनता की जिंदगी बदलना है, दिनों रात हम इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती, तो आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? इधर भी सबका मिलेगा, भांजे भांजियों का भी मिलेगा। नित्य बदले और बेहतर बनाए अपने बिछुआ को, अपने गांव को, अपने छिंदवाड़ा को, और अधिकारी मित्रों से भी मैं ये कहना चाहता हूं पूरे डेडिकेशन के साथ सरकार की योजना हम नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़े। आइए एक बार हम सब तय करें कि मिलकर अपने बिछुआ को बढ़ाएंगे, अपने गांव को बढ़ाएंगे, अपने छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाएंगे, इसका संकल्प लें, और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय का उद्घोष करें। तो उठाइए दोनों हाथ, पीछे दाएं बाएं बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया हितग्राहियों के हित लाभ का वितरण करें।